पटाधार किया खिलाड़ी और खेल गतिविधियों का। जब से कोरोना वायरस की सक्रियता और संक्रमण बढ़ा है तब से जिले भर के खिलाड़ी परेशान हैं। कोरोना की वजह से खेल गतिविधियां ही प्रभावित नहीं हुई है बल्कि खेल कैलेंडर भी तैयार नहीं हुआ, खेल शेड्यूल भी तय नहीं हुआ है। खेल गतिविधियां और अभ्यास लॉकडाउन से प्रभावित होने के कारण खिलाड़ियों का स्टेमिना और दमखम भी प्रभावित हो रहा है। जिला क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम कारुले के मुताबिक सब कुछ आने वाले समय परिस्थिति और कोरोना के नियंत्रण पर ही निर्भर है। कोरोना की सक्रियता रुक जाएगी तो खेल गतिविधियां संचालित होने लगेगी। कोरोना वायरस की सक्रियता और संक्रमण में न कि जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है बल्कि खेलों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। खेल मैदान इन दिनों सुने सुने नजर आ रहा है और जहाँ तक इंडोर गेम की बात है उसमें तो खिलाड़ी अपने घरों पर और आस पास प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन टीम वर्क वाले क्या हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में नहीं आ रहे। वहीं स्थिति यह है कि खेल गतिविधियाँ भी आयोजित नहीं हो रही है। देखा जाए तो 1 जुलाई से स्कूल खुलने के बाद में बहुत सारे इंडोर और आउटडोर गेम जिला शिक्षा विभाग और जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित किए जा सकते थे लेकिन वह अब तक आयोजित नहीं हुए। आज हमने इस मामले में इंदौर के क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम कारुले से चर्चा की। कारुले जी बताएं यदि कोरोना वायरस की सक्रियता नहीं होती, लॉकडाउन नहीं होता, 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते तो देखा जाए तो जुलाई के माह में गत वर्ष भी लगभग दर्जन भर से ज़्यादा खेलों की प्रतियोगिताएं इंडोर और आउटडोर आयोजित हो चुकी थी लेकिन इस बार कैलेंडर ही नहीं बना है और कैलेंडर नहीं बना है तो शेड्यूल भी नहीं हुआ है और शेड्यूल नहीं हुआ है तो ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब के सब बीच में ही लटके हैं। बताएं इस मामले में क्या कुछ। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी इंटर स्कूल के खेल प्रारंभ होते हैं तो उसके पहले एक कैलेंडर बनकर राज्य शासन से हमारे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण तक के आ जाता है और फिर एक संभागीय बैठक होती है उसके अंदर जिला स्तर के सब कैलेंडर निर्धारित होते हैं और जिला स्तर कैलेंडर निर्धारित होते हैं तो जुलाई तक के सबसे पहले जो हमारा आयोजन होता है वो सुब्रतो कप का होता है और उसके बाद में फिर अधिकतर वो गेम होते हैं जो बारिश से प्रभावित ना होते हैं जैसे इंडोर गेम के अंदर बहुत सारे गेमों का हम खेल रहे हैं। बैडमिंटन है, राइफल शूटिंग है, स्विमिंग डाइविंग है, फुटबॉल है, स्केटिंग है, आपके खो खो है, बॉबी नाम है, इस प्रकार के बहुत सारे खेल की प्रतियोगिताएँ जिला स्तर पर हो जाती हैं और कम से कम 15-20 गेम इंटर स्कूल अभी तक हो जाते हैं लेकिन अब कोरोना को देखते हुए बिल्कुल सख्त निर्देश हैं, विद्यालय नहीं लग रहे हैं तो ऐसी हालत में तो खेल के तरफ अभी कोई गतिविधि संभव नजर नहीं आ रही। आपसे इंदौर के क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम कारुले जिन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन के चलते विभिन्न खेल गतिविधियां अभी संचालित नहीं हो रही है। हालांकि खिलाड़ी अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उचित एटमॉस्फेयर नहीं मिलने के कारण उनका स्टेमिना तो प्रभावित हो ही रहा है। इसके साथ साथ खेल आयोजित नहीं होने के कारण उनके उत्साह में भी कहीं ना कहीं कमी है। कब तक कोरोना वायरस की सक्रियता रहेगी और कब तक खेल आयोजित होंगे इसको लेकर खिलाड़ी भी जिज्ञासु हैं। यह अलग बात है कि व्यवस्थाएं और हालात अभी किसी के भी बस में नहीं है। खबर पर नज़र के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से मैं संजय निजाम, शैलेंद्र श्रीमाल और उत्तम राव पाटिल की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।